तो फर्स्ट वन इज लड़कियों को ज्यादातर बताओ, कोकोनट टी शर्ट है, खोपरा पान मसाला काफी अच्छे होते हैं खाने में। मैं पुलाव में नहीं हर चीज में डाल के चेक करूंगी। हमारी आज की कम्प्लीट ट्राउजर कौन सा है? हेलो एवरीवन, हाँ मैं क्लियर दिखा नहीं पा रही थी कि मैंने ग्रोसरी शॉपिंग में क्या क्या लिया। सो फर्स्ट वन इज हमारे हाजमे को बढ़ाता है, इवन हमारे तेजाबियत को ठीक करने में भी मदद करता है, मैदे में एक हिफाजती असर शामिल करता है, जिस्म से जहरीले मादों को भी खारिज करता है। ब्रश और ये बर्तन वगैरह में यूज होता है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। ये दो मैक्स है, ये भी किचन के हैं, लड़कियों को ज्यादातर बताओ। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता। और दिस वन इज कम्फर्ट, जो कपड़े धोने में काम आता है। ये कंफर्ट भी मैंने दो उठाए, एक मैंने ब्लू में उठाया, एक मैंने पिंक में उठाया। ओह, दिस वन इज टूथपेस्ट, वन इज कोलगेट सेंसिटिव एंड सेकंड वन इज कोलगेट। ये मेरे मम्मा ने चूज बोला था तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कभी ट्राई नहीं किया ये कैसा है, बट एक ही उठाया था कि पी कर देखें ये कैसा होता है। दिस वन इज कोकोनट जूस। और ये फेस वॉशेस हैं, मैं ज़्यादातर ये वाले भी यूज़ करती हूँ और दूसरे भी यूज़ करती हूँ, तो रैंडमली घर में ये चल जाते हैं, तो फेयर एंड लवली के फेस वॉश। और ये सर्फ उठाया मैं, सर्फ एक्सल। और दिस वन इज़ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। हैज़ यू ऑल नो कि ऑलिव ऑयल के कितने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, ये आपके वेट को कंट्रोल भी करता है, इट ऑल्सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डायबिटीज, इवन इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अगर आपको सारे बेनिफिट्स जानने हैं तो कॉमेंट डाउन, मैं इसकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। टी शर्ट है जो मैंने नुमान के लिए लिया, आई डोंट नो वो पहनेगा या नहीं पहनेगा, तो मैंने रैंडमली उठा ली, मैंने कहा चलो दिस टी शर्ट। ओके, सो दिस वन इज ट्राउजर, दिस इज आल्सो फॉर नुमान, या दिस इज कॉटन स्टिक्स। और दाल, कौन सी दाल है? ये मूंग की दाल है। और ये है खोपरा पान मसाला, दिस एप्पल, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। और ये मैंने उठाए हैं शामी कबाब, कौन सी कंपनी के हैं? सर बोसो, सर सब रोसो, या। और ये हैं चिकन फिलेट्स, अब मेरे ज़्यादा चिकन फिलेट्स उठाने हैं। ये मैंने अपने लिए ग्रेप फ्रूट्स लिए हैं। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं। कोफ्ता, चना दाल, इलायची, काली मिर्च पाउडर मैंने अपने लिए लिया है, योगर्ट, दिस वन इज आलू बुखारा एंड दिस वन इज इलायची, ये है शक्कर, और ये है सेला बासमती राइस। अम्मी ने बोला था सेला नहीं लेना, लेकिन फिर भी अम्मी ले लिया कि नहीं, सेला ज़्यादा अच्छे लगता है। मैंने नूरपुर का बटर लिया था जो कंप्लीट मेल्ट हो गया। और ये केक है, ये मैंने मम्मा के लिए लिया है, डॉन ब्रेड के बटर केक, काफ़ी अच्छे होते हैं खाने में। जैसे ओरिगानो, ये मैं पास्ता में और हर चीज़ में डालती हूँ, इट स्मेल्स ऑसम गाइस, ये आप भी शायद यूज़ करते हो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आज मैंने एक नई चीज़ देखी, मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया, मैंने ले लिया, मैंने कहा चलो यार इसको मैं यूज़ करके देखूँगी। ये पुलाव सूप स्टॉक है विथ रियल चिकन क्यूब्स हैं, थिंक, या मैं पुलाव में नहीं हर चीज़ में डाल कर चेक करूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ होता है जो चीज़ जिसके लिए होती है मैं दूसरी चीज़ों में भी अप्लाई कर लेती हूँ। अरे यहाँ ऐसा ही होता है। ये था हमारी आज की कंप्लीट ग्रोसरी शॉपिंग गाइस, ग्रोसरी शॉपिंग थी, बहुत कम थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, नॉर्मल थी, समथिंग कोई मेरे ख्याल से 16-17 हज़ार तक का बिल था, या आई रिमेंबर। शॉपर उठाते हैं, ये लो तुम्हारे लिए ये शॉपर, हम मान के देखें शक्ल चेक करते हैं अभी। मुझे नहीं पता तुम ये पोलो शर्ट पहनते हो नहीं पहनते हो, मैंने ले ली क्योंकि मुझे अच्छी लग रही थी। नहीं, मुझे भी अच्छी लग रही है। ट्राउजर कौन सा लाया ब्रो? ट्राउजर लूज है, नॉर्मल घर के वेयर के लिए, तेरे पास नहीं है ना, एक्स्ट्रा लार्ज नहीं मिल रहे थे, सारे मीडियम साइज के पड़े हुए थे। अबे ये ट्राउजर सही है यार, लूज है, कंफर्टेबल है, घर के हिसाब से सही, घर के हिसाब से ही लाई हूँ मैं। सो गाइज, ये था आज का व्लॉग, कंप्लीट मेसअप हो गया है, मैं इन सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे लगाती हूँ। सो आज के लिए इतना ही गाइज, हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी न्यू टॉपिक के लिए, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, हाँ बाय बाय कर दो। बाय बाय ब्रो, मेरा लक बहुत ख़राब है, मैं अभी सो के उठा, मुझे पता ही नहीं लग रहा है क्या हो रहा है।